मुल्क हालत है जंग में है, उसको उजागर नहीं किया जा रहा। 5,000 फौजियों ने जाने दिए, जो शहरियों ने जाने दिए। चीनी कंपनी ने दासू डैम पर काम बंद कर दिया है, तमाम पाकिस्तानी मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है कि चीनी इस पर तुल गए हैं। मुल्क हालत है जंग में एक तरह से चला गया है। 2 कैप्टन शहीद हुए हैं, मजदूर अगवा किए गए हैं। लेकिन 16 जिला कुर्रम से 16 मजदूर उन्होंने अगवा किए दिया है। तालिबान के हमलों से नाराज चीन ने सीपैक प्रोजेक्ट बंद कर आज फिर पाक को कड़ी चेतावनी देकर कहा, हमलावरों को सजा दो, नहीं तो नई जंग को तैयार रहो। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। कहना किसी तौर भी गलत ना होगा कि इस वक्त हमारा मुल्क पाकिस्तान हालत जंग के अंदर है। लोगों की जिंदगियां मुश्किल में हैं, दहशतगर्दी का मसला है, अफगानिस्तान का मसला है, और फिर इस तमाम तर सूरत हाल में सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ बिला दरेग इस किस्म का जहर उगल रहे हैं कि हम हर सूरत अपने दुश्मन को मौका दे रहे हैं कि वो आए और पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाए। सीपेक जो अपने आगाज से ही दुश्मनों को खटक रहा है, अब क्या इसको सबोताज करने की भोंडी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। दासू के मकाम पर चीनी इंजीनियर्स के साथ पेश आने वाले वाकये के बाद चीनी कंपनी ने दासू डैम पर काम बंद कर दिया है, तमाम पाकिस्तानी मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। कंपनी की जानिब से जो खत जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 14 जुलाई के वाकये के बायस काम जारी नहीं रख सकते, जो ही सिक्योरिटी के मामला दुरुस्त होंगे काम शुरू हो जाएगा। हादसे की तहकीकात के लिए चीन से आला तहकीकाती कमेटी टीम पाकिस्तान आ चुकी है, मगर इस वाकये के बाद पाकिस्तान के इब्तदाई रद्दअमल पर भी तनकीद की जा रही है कि इसे खालिस्तन एक हादसा कहा गया, हमने इसे हादसा करार देने में जल्दी क्यों की। साथ ही एक और वाकया जो आज शाम से रिपोर्ट होने लगा है वो अफगान सफीर की बेटी के साथ पेश आया वाकया, उस पर भी रद्दअमल सामने आ रहा है। उधर कश्मीर में कैंपेन जारी है, मगर पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में जो सबसे अहम मामलात बन रहे हैं वो है सिफारती और सिक्योरिटी चैलेंजेस। इस हालत जंग के अंदर हम सबको क्या करना होगा, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, अवाम क्या कर रही है, इंटरनेशनल कैनवस के ऊपर किस किस्म की पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं कि चीनी इस पर तुल गए हैं। मुल्क हालत है जंग में एक तरह से चला गया है। 2 कैप्टन शहीद हुए हैं, मजदूर अगवा किए गए हैं, और वो ग्वादर के करीब कौन सी जगह है वहाँ पे हमला हुआ है। अच्छा, और ये दासू वाला वाकया है तो चीनियों ने तहिया कर लिया है, उनका रवैया बहुत सख्त है, वो तहकीकात में शामिल हो गए कि तीसरा मुल्क नाम लेके कहा जो है उसको कफर किरदार तक पहुँचाएंगे। ठीक है, अफगानिस्तान के मामले में ताज़ा तरीन इतला यह है कि गुलबिनुद्दीन हिकमतयार ने तजवीज़ पेश की कि ईद उज़्ज़ोहा पे हो। अच्छा, जंग बंदी हो जाए से शायद कुछ मामला बेहतर हो जाए। अब्दुल्ला ने अभी चंद मिनट पहले खबर आई है कि कहा कि दोनों फरीकों को लचक का मुजाहरा करना, कैदियों के बदले हारून साहब जी, नहीं लचक का मुजाहरा करना होगा। दासू डैम का मामला, अभी डैम पर कितने परसेंट अभी काम चल रहा है और उसके बारे में डैम पे काम बंद हो गया है, सबसे बड़ी खबर यह है। डैम पे जो बहुत बड़ी गिरफ्तारी से काम हो रहा था, चीनी कंपनी थी दासू डैम पे और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग थी। और आप कमाल है, ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी लैप्स है कि वो तो थोड़ा सा फासला है, 22 किलोमीटर का वो है, ये तो खैर को 7 किलोमीटर के फासले पे कैंप है, वहाँ से जा रहे थे शायद, तो एक कार कहाँ से चली और वहाँ पहुँची रावलपिंडी से, ये उसकी तरफ जा रहे थे डैम की तरफ जी, और वो बीच में दाखिल हो गई। दाखिल कैसे हो गई, रेंजर साथ होते हैं, ये तो मतलब है लापरवाही की हद है। यानी ये वो फौज है और ये वो इंटेलिजेंस एजेंसियां जिन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ ऐसी जंग जीती है जिसकी मिसाल दी जाती है सारी दुनिया में, तो ये कैसे हो गया। तो इंटेलिजेंस में था, ये चीनियों ने तहिया कर लिया, उनकी 15 रुकनी टीम पहुंच गई है, उन्होंने तो फौरन ये नतीजा अखज किया कि दहशत गर्दी है। हमारे तो यहाँ तो गलत फहमी हुई कि नहीं जनाब वो ये ऐसा नहीं हुआ और ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, अब क्लैरिटी है उसमें। और ऑब्वियसली ये अफगान है, इंडियन है, एक ही है बात, तो वही कर रहे हैं हर जगह पे। अगर काम और उसका जो है नतीजा देखिए, जो मैं पाकिस्तान इंडिया के पर्सपेक्टिव में नहीं कह रहा, जनरल एक उसूल ये है कि जो हर बार दुश्मन आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है आप भी वही करते हैं। इसमें नरमी दिखाई जा रही है कुछ, और ये जो नरमी है ये खतरनाक है और कन्फ्यूजन है इस्टेब्लिशमेंट में भी और हुकूमत में भी। मसलन जैसे
अशरफ गनी के ये कहने के बाद कि 10,000 जंगजू पाकिस्तान ने दाखिल कर दिए हैं और अमरुल्ला साले के ये इल्जामात के बाद अशरफ गनी के साथ वन ऑन वन मीटिंग की क्या तुक थी, क्या जवाब था? जवाब मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इंटरनेशनल प्रेशर है, अमेरिका का दबाव है, उस ग्रुप का क्या जवाब और वो क्या कर लेगा? पाकिस्तान, अमरीका, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान क्या करेगा? ये ग्रुप क्या करेगा? कुछ भी भाई, ईरान और चीन के बगैर आप कैसे कर लेंगे? यानी खुद कह रहा है जुल्मे खलीलजाद के वो सूरत सिर्फ ताकत की हुकूमत काबिल कबूल नहीं होगी, वो काबिल कबूल होगी जो पड़ोसियों के लिए काबिल कबूल हो, अफगान अवाम के लिए काबिल कबूल हो, पड़ोसियों के लिए काबिल कबूल हो, इमदाद देने वाले मुल्कों के लिए काबिल कबूल हो। तो चीन कहाँ गया, ईरान क्या? ईरान पड़ोसी नहीं है, और वो उनकी पड़ोसियों से मुराद जो है जो लोग मुल्क है उसमें इंडिया भी शामिल है, ठीक है जी। फिर ये जो फरमाया गया कि ये अमेरिका